खाद की बढ़ती मांग के बीच नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ कृषि मंत्री कमल पटेल कोई रियायत बरतने के मूड में नहीं है। पटेल के निर्देश पर अब तक 28 लाइसेंस निलंबित किया जा चुके हैं, जबकि 21 लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं। खाद बीज के अवैध भंडारण, परिवहन और मिलावट को लेकर 20 FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं, जिससे मुनाफाखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। कृषि मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर खाद बीज के मिलावटखोरों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर एक्शन शुरू हो गया है। कृषि विभाग मिलावटखोरों, अवैध रूप से खाद का विक्रय करने वालों के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं और धड़ाधड़ FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि अब तक 10 जिलों से 20 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। इंदौर में मैसर्स प्लेस्टो बायोक्रॉप सहित अन्य कंपनियों और फर्मों पर भी अवैध रूप से खाद के भंडारण और विक्रय का मामला दर्ज हुआ है। अब तक 14 जिलों में 28 संस्थाओं के पंजीयन निलंबित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 21 संस्थाओं और व्यक्तियों के पंजीयन निरस्त किए जा चुके हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने फिर दोहराया कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे तत्वों के खिलाफ रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। किसानों की सरकार है, किसान का बेटा मंत्री है, मुख्यमंत्री किसान का बेटा, और इसलिए किसानों के साथ जो धोखाधड़ी करेगा, मिलावटखोरी करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि नकली बीज देने वालों के खिलाफ हम रासुका की भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी आदेश हमने दिए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।